शिमला से एक और बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी जारी है और आप जानते हैं कि विपक्ष इस समय सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। इस सेशन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। सत्ता पक्ष को घेरने का पूरा एक्शन प्लान है बीजेपी के पास। सत्र में बीजेपी के आक्रामक तेवर देखने को मिल सकते हैं। सरकार को रोजगार गारंटी और कर्ज के मुद्दे पर भी घेरने का प्रयास रहेगा और इस बात की वानगी जुबानी तौर पर बीजेपी विधायकों के जुबानी ही देखने को मिल चुकी थी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार तो साफ कर दी है कि रोजगार के मुद्दे पर, यानी कि नौकरियों के मुद्दे पर पूछा जाएगा सवाल, कितनी नौकरियां एक साल में दी गई है, क्योंकि ये भी विपक्ष कह रहा है कि एक भी उपलब्धि नहीं बताई गई और ना ही बताने के लिए उपलब्धि मौजूदा कांग्रेस सरकार के पास है। अब इसका जवाब कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के विधायक और मंत्री, खुद मुख्यमंत्री कैसे देते हैं, ये दिलचस्प होगा देखना जब विधानसभा में इस बजट सत्र की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो शिमला से। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की रणनीति बजट सत्र को लेकर आपको कैसे दिखती है। आपने खुद भी जिक्र किया था कि राजनीति भी देखने को मिल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं पुरानी सरकार, पूर्व की सरकार में नौकरियां बेची जाती थी, और यहां विपक्ष कहता है कि एक भी नौकरी एक साल में नहीं दी गई है। क्या कहेंगे, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बहस तक देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले का ये बजट सत्र है, तो ऐसे में हंगामा इसमें जरूर बरपेगा और जो मुद्दे प्रदेश में चल रहे हैं उनको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष को हम आमने सामने इस सत्र के दौरान देख पाएंगे। और अभी की भी बात करें, जैसे आज राज्यपाल के अभिभाषण से सदन की सत्र की शुरुआत हुई है, कल और परसों दो दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है, फिर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस दौरान बहुत सारे मुद्दे हम जो है कई मुद्दे आए हैं जिनको विपक्ष उठा सकता है। अभी भी विधानसभा में भाजपा विधायक दल की बैठक चल रही है, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के चैम्बर में, और उनकी अध्यक्षता में ही बैठक हो रही है और उसमें यही रणनीति तैयार की जा रही है कि कल दो दिन तक जो बातें रखनी है, कौन कौन सी बड़ी बातें रखनी है, कौन विधायक किस बात को रखेगा, उसी हिसाब से वो अपनी एक्सरसाइज करेंगे, तैयारी पूरी करेंगे। और जिस तरह से अभी लग रहा है नेता प्रतिपक्ष का जो आज बयान भी आया है उसमें उन्होंने जिक्र भी बकायदा किया, रोजगार को लेकर उन्होंने सरकार को घेरा कि एक साल में नौकरियां नहीं दी गई हैं, जो बेरोजगार हैं वो सड़कों पर है, JOIT का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, SMC शिक्षकों का उन्होंने बकायदा जिक्र किया, कंप्यूटर शिक्षकों का जिक्र किया गया और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं उनका भी जिक्र हुआ। तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे बेरोजगार हैं जो सड़कों पर है, कर्मचारी निराश है, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का भी जिक्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए प्रदीप ठाकुर आपका इस खबर पर।